हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला सेक्टर 1 स्थित में सेड बिशप में आयोजित राज्य स्तरीय सक्षम सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि आज का दिन हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता लाने, अध्यापकों को पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाने, आरंभ से ही विद्यार्थियों को सीखने के स्तर में नींव मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश में 119 खंडों में से 107 खंड सक्षम तथा 5 खंड सक्षम प्लस घोषित किए गए। उन्होंने कहा कि सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के बाद आरंभ से ही बच्चों की नींव मजबूत होगी। अब तीसरी से आठवीं तक की सभी कक्षाओं में अंग्रेजी सहित मुख्य विषयों में शामिल किया गया है। आने वाले समय में हरियाणा से सरकारी स्कूलों के पास आउट होने पर बच्चों को सक्षम ब्रांड होगा, यानी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में से पास आउट बच्चों की सक्षम ब्रांड होगी, उनकी एक पहचान के तौर पर यह चीज़ मानी जाएगी। बल्कि मानव का भी निर्माता होता है, कभी कभी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से शिक्षा में मन लगाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में उनका मुख्य फोकस रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी व सड़क न होकर के सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर होगा। अब देखें पल-पल की विशेष रिपोर्ट। आज ये सक्षम सम्मान समारोह जब 4.5 वर्ष पहले जब ये विषय चला कि शिक्षा में कैसे सुधार लाया जाए, क्योंकि आखिर शिक्षा का महत्व तो हमको पता है, जीवन में व्यक्ति के जीवन का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई एक ऐसा बदलाव होता है तो शिक्षा के कारण से होता है। शिक्षा व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाती है। हर माता पिता की एक बड़ी इच्छा होती है कि मेरी संतान वो अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। शिक्षा एक केवल थ्री आर एजुकेशन नहीं है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक इतना ही नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण का एक साधन है। जैसी शिक्षा होगी वैसा संस्कार, यदि बच्चे में आएगा तो बड़ा होकर के एक अच्छा नागरिक बनकर के अच्छी सोच लेकर के वो केवल एकांगी सोच से नहीं जिएगा कि मैं ही हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, इतना ही नहीं, बल्कि अपने आप को समाज के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कुछ करने की मन में आकांक्षा लेकर के चलेगा, अच्छी शिक्षा उसको मिल जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता हरियाणा में हमको समय लगी। हमारे यहां हरियाणा का नौजवान ताकतवर है, शक्तिशाली है। हरियाणा के बारे में एक गीत चलते हैं, हरियाणा जित दूध दही का खाना, दूध दही खूब खाते हैं, खूब कसरत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पहलवान बनते हैं, हमारे यहां स्पोर्ट्स पर्सन देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा का विषय, थोड़ा उस समय बहुत चुभता था हमारा देश, बाकी प्रांतों से शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। तो इस पिछड़ेपन को किस प्रकार से दूर किया जाए तो कुछ नए नए कार्यक्रम शुरू करने होंगे। पहला विषय तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये खूब होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते विद्यालय खूब बनाए, महाविद्यालय भी बन गए, छात्राओं के लिए अलग से हर 20 किलोमीटर के अंदर एक महाविद्यालय बनाया गया, उस पर हम बढ़ गए। अध्यापकों की भर्ती, बहुत पहले से अध्यापक एडहॉक बेसिस पर आते थे, अध्यापक ये भी चल रहे थे, कुछ भर्तियां हो गई, उन भर्तियों में जो अध्यापक थे उनको भी हम छोटे मोटे विवाद थे उनको दूर किया। अध्यापकों की संख्या हमने एक अच्छे लेवल पर उसको बढ़ाया है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है और हम बढ़ाएंगे। अध्यापकों की आज भी कमी है। अध्यापक के मन में एक इच्छा ये जगाई जाए कि मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है, उसमें से ये सक्षम योजना शुरू हुई, सक्षम, सक्षम प्लस, सक्षम टू। तो इसमें से अध्यापक पढ़ाए तो इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। 3M प्रोग्राम शुरू किया, मॉनिटरिंग, मेंटरिंग और मोटिवेशन। अच्छे अध्यापकों की मोटिवेशन के लिए कहानियां सुनानी पड़ती हैं, अच्छे विद्यार्थियों की कहानियां सुनानी पड़ती हैं, और अध्यापक का रिजल्ट अच्छा आए इसके लिए भी उसको मोटिवेशन करना पड़ता है। तो मित्रों, मेरा कहने का भाव यह है कि हम अध्यापकों को इस बात की अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी सिखाते समय कुछ नई टेक्निक्स इनका प्रयोग करना चाहिए।
पहली बात तो विद्यार्थी को शिक्षा ये बोध है इस अभास में से बाहर निकालना चाहिए। और मेरी बात सभी हमारे 10,000 विद्यालयों के बालक छात्र छात्राएं भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि शिक्षा बोझ नहीं है, शिक्षा सहज गति से अपने आप को आनंद लेने के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक विषय है। वो बोझ मानता है वो बालक हमेशा जिस दिन छुट्टी हो जाएगी उस दिन खुशी मनाएगा कि वाह छुट्टी आ गई छुट्टी आ गई छुट्टी आ गई, लेकिन जो बालक शिक्षा में रुचि ले लेगा वो बालक कहेगा ये छुट्टी नहीं आनी चाहिए, छुट्टी आई है तो मेरा काम रुक जाएगा, मुझे अपने विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करनी है। तो उसके मन में शिक्षा के प्रति रुचि जागे और शिक्षा को जब उसको हम दे रहे हैं उस बालक का लेवल नापे, लेवल नाप करके उसका जो प्रोग्रेस है उसका जो विकास है वो ग्रेजुअल तरीके से कराए। अगर कोई बालक 40% का निर्णय वाला छात्र है तो 40 से 50 कैसे ले, वो टारगेट 40 से 50 रखना चाहिए, 55 रखना चाहिए, 60 रखना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। एक बालक 40% का छात्र और हम उसको रोटी पिला रहे थे बच्चों 80% नहीं लाएगा तो फिर तेरा नुकसान हो जाएगा, तो 40 से 80 वो लाएगा नहीं, उसको एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस इसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए। हमारा जो छात्र जो बालक जो विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कराते रहेंगे तो उस पढ़ाई को बोझ नहीं मानेगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। और अगर लगातार नहीं पढ़ाया और हमने सोचा या बालक ने सोचा या माता पिता ने सोचा बहुत दिन पढ़े हैं परीक्षा में 10 दिन आखिर में आएंगे तब पढ़ लेगा, तो 10 दिन में फिर अनफेयर मीन्स के माध्यम से इधर चले जाके मुझे शिक्षा परीक्षा पास करनी है तो पास करनी है तो फिर नकल मारो ये करो वो करो किसी ना किसी तरीके से पास का एक ठप्पा लग जाए। वैसे तो दुर्दशा होगी पढ़ाई की कि पास का ठप्पा भी बंद कर दिया हमारे पिछली सरकारों ने, उस पास के ठप्पे के कारण से आखिर में 10-5 दिन पढ़ता था वो भी पढ़ना छोड़ गया नो अनाउंसमेंट पॉलिसी के कारण से, और इसी कारण से दुर्दशा हुई। तो जो नो अनाउंसमेंट पॉलिसी है उसको हमने लर्निंग अनाउंसमेंट प्रोग्राम LAP के माध्यम से और यह सक्षम योजना में आगे बढ़ाया। शी फैक्टर पर फोकस किया है, शी फैक्टर यानी सिक्योरिटी हेल्थ एंड एजुकेशन। अब ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी आज आवश्यकता हर किसी को महसूस हो रही है, इसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए। सिक्योरिटी के नाते से भी हमको एक प्रदेश में देश में एक सुरक्षा का वातावरण, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के नाते चाहे क्राइम के नाते, ये हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कदम हम उठा रहे हैं। जैसे कल ही एक निर्णय हमने किया है कि जो ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं उनकी उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, तो एक महाराष्ट्र का मकोका कानून है जो इस प्रकार के शिकंजा कसने के लिए बड़ा प्रभावी कानून है, उसी तर्ज के ऊपर हरियाणा में भी हम हरकोका कानून ये लाने जा रहे हैं ताकि ऐसे जो इस प्रकार का ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकें। इसी प्रकार हेल्थ को लेकर के भी हमारी बहुत योजनाएं वो सब चल रही हैं, आयुष्मान भारत इस नाते से बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, ऐसी एजुकेशन को लेकर एजुकेशन और न केवल एजुकेशन एजुकेशन के साथ स्किलिंग, क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद अगर स्किलिंग नहीं है व्यक्ति के पास तो उसका अपना जीवन जिस तरीके से उपयोगी होना चाहिए शिक्षा को लेकर के वैसा होता नहीं है। शिक्षा लेकर के भी कई बार डिग्रियां लेकर के नौजवान घूमता रहता है, स्किलिंग अगर होगी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब किसी भी प्रकार से अपने जीवन में वो आगे बढ़ सकता है। हम लोगों ने कुछ काम किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई एंड आ गया है, इसकी सीमा भी नहीं आई है, बहुत कुछ करना बाकी है। 4 डग भरे हमने तो क्या है, 4 डग भरे हमने तो क्या है, है मैदान खाली पड़ा मीलों अभी। इसलिए भी तो चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए इस ओर आगे बढ़े। एक विषय की चर्चा और मैं करना चाहूंगा, वो है पौधगिरी। अभी एक अवसर चल रहा है, मौसम ऐसा है कि सारे प्रदेश में देश में वर्षा के दिनों के अंदर वृक्ष लगाने की एक मुहिम एक अभियान ये चलाया जाता है, पर्यावरण की दृष्टि से भी आवश्यक है, पानी वर्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। पिछले वर्ष भी एक आंकड़ा हमको मिला था कि 24 लाख पौधे केवल स्कूली छात्रों के द्वारा लगवाए गए थे 6ठी से लेकर के 12वीं तक। आप लोगों का सबका उसमें योगदान रहा है लेकिन एक उसमें थोड़ी कमी रही
कि जो बाद में हर 6 महीने बाद उसको फोन से फोटो लेकर के और उसका सेल्फी या कोई अपलोड करने का सिस्टम जैसा ऑनलाइन बनना चाहिए था उसमें कमी आई है, ताकि अगर उस सिस्टम को हम ठीक कर लेते तो अगले 6 महीने बाद ही उसका पूरा रिकॉर्ड आता, लेकिन वो रिकॉर्ड बहुत कम आया है। हम चाहते हैं उसमें सुधार करना है। अभी भी जो उसको लोड करके और जीपीएस का जियो मैपिंग के आधार के ऊपर उसी स्थान पर जाकर उसका फोटो खींच के लोड करेंगे तो वो सारे भी दर्ज हो जाएंगे और नए पौधे भी अब लगने प्रारंभ हमने कर दिए हैं। अभियान पिछले 8-10 दिन से चल रहा है। 22 लाख छात्र हैं, अभी तक मात्र 1.5 लाख छात्रों का पौधे के साथ सेल्फी और जियो मैपिंग के साथ वो टैग हुआ है अभी, लेकिन इस अभियान को चलाना है और ये महीने भर का वर्षा के दिनों का ये अभियान होता है। हम अपने विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, स्कूल स्टाफ को, सबको इंस्पायर करें कि एक पौधा अपने नाम से, अपने परिवार के नाम, किसी व्यक्ति के नाम से, किसी आदर्श पुरुष के नाम से, किसी पूर्वज के नाम से, किसी अच्छे मौके का कोई दिन हो तो उस यादगार में कोई यादगार बनाए, लेकिन आइडेंटिफाई करें एक पौधे को अपने साथ, ताकि इन 6 सालों में 6ठी से लेकर 12वीं तक हर वर्ष भी बच्चा एक पौधा लगाए तो कम से कम 6 पौधे उसके हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अभियान होगा। हम इस अभियान को स्कूल के छात्रों के माध्यम से हम कर सकते हैं, इसको आगे करना चाहिए।